आज हम कर रहे हैं ऑलरेडी कलर्ड नेल पे हेयर कलर और यह है क्लाइंट का बिफोर रिजल्ट। आप देख सकते हो ऑलरेडी कलर हुआ है, कलर फेड आउट हो चुका है, तो क्लाइंट को इसे अब रिब्रश करना है, तो हमें कलर करने वाले हैं इस पे। यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्लाइंट का हेयर वॉश प्योरीफाइंग शैम्पू से। अगर क्लाइंट हेयर पे ऑयल है, डस्ट है, तो वो रिमूव होगा। क्लाइंट के आगे क्यूटिकल ओपन होंगे जो कि कलर के प्रोडक्ट को अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएंगे, तो अच्छे से वॉश करेंगे, अच्छा लेदर क्रिएट करेंगे। और जब क्लाइंट का हेयर वॉश हो जाए तो आपको करना है टॉवल ड्राई और ब्लास्ट ड्राई। ब्लास्ट ड्राई करेंगे हेयर को, 100% ड्राई करेंगे। वैसे तो आप वेट हेयर पे प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो, पर यहाँ पे हम क्लाइंट के 100% हेयर ड्राई करेंगे, जिसके बाद हम इस पर प्रोडक्ट अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो है 5.74 एंड उसमें थोड़ा सा मिक्स किया है हमने 7.3। अब इसको जो मिक्स किया है वो थोड़ा सा 5.74 को बूस्ट करने के लिए किया है कि उसमें थोड़ी सा वॉर्म की टोन आए। तो यहाँ पे हमने कलर अप्लाई कर दिया है अभी पूरे हेयर पे। अब पूरे हेयर पे जब क्लाइंट के आपके प्रोडक्ट अप्लाई हो जाता है तो आपको 30-35 मिनट वेट करना है, जिसके बाद आप क्लाइंट के हेयर को रिंस करोगे और फिर आप देखोगे फाइनल रिजल्ट। जब कलर पूरे हेयर पे अप्लाई हो जाए तो आपको डेवलपमेंट का टाइम देना है, आप 40 मिनट भी कलर को रख सकते हो हेयर पे। और यहाँ आप देखोगे फाइनल रिजल्ट, यह है फाइनल रिजल्ट। जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कलर्ड हेयर थे, अब क्लाइंट को रिफ्रेश करने थे तो हमने उस कलर को बूस्ट किया है, तो काफी अच्छा शेड आया है। देख सकते हो आप किस तरीके का रिजल्ट है। कलर है ये 5.74 50 ग्राम एंड 10 ग्राम 7.3।